राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे सारी रात तो सोने में नष्ट हो जाती। यहाँ हिरियते रात्रि के समय की चोरी नींद कर लेती है। कितना बढ़िया समय रहता है रात्रि में भजन का, सब संसार सोया हुआ रहता है, कहीं कोई शोरगुल नहीं, खूब राम राम करो, खूब भजन करो। पर हम इतने आलसी प्रमादी हो चुके हैं, मुर्दे के जैसे पड़े रहते हैं। अरे और तो और 4 बजे भी मुर्दे के जैसे पड़े रहते हैं। मंगलारती होती है यहां सवेरे ठीक 4 बजे, कार्तिक मंगला यहां खाक चौक में सब जगह मंगला होती है। नियम सेवा चल रही ठाकुर जी की। कितने लोग दर्शन करते मंगला में? आश्रम में रहने वाले बताओ कितने लोग दर्शन करते हैं? क्या करते हो? कहते पता ही नहीं चला कब आरती हो। गए भले आदमी, इतने जोर के घड़ी घंट बजते हैं, नगाड़ा बजता है, तब तुम्हारे पता नहीं चला, तब तो तुम कुंभकर्ण के भी दादा गुरु हो गए। कितने दिन बीत गए कार्तिक की मंगला को, कितने दिन बाकी हैं? लेकिन हमारे मन में व्याकुलता नहीं होती कि हम दौड़ के भगवान की मंगला का दर्शन करें। सो रहे हैं। रात भर सोए, कई घंटे सोए। डॉक्टर तो कहता 6 घंटे सो। क्यों पाटिल जी, स्वस्थ आदमी 6 घंटे सो? लोग 12-12 घंटे सोने के बाद कहते अरे आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। अरे भले आदमी, सवेरा बहुत जल्दी हो गया? सवेरा तो सवेरे के समय पे हुआ। इतना ठूस ठूस के हम लोग खा लेते हैं कि कहाँ से उठे। साधक के जैसा न खाना है, न साधक के जैसा सोना है, न साधक के जैसी रहनी है। और बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं कि हम सीधे बैकुंठ चले जाएंगे, गोलोक साके चले जाएंगे, ये सब झूठी बातें हैं। उसके अनुरूप आप अपना जीवन बनाइए। अरे भाई, उदाहरण तो बहुत हल्का है लेकिन चलो कह देते हैं। हमने ऐसा सुना है कि संसार में किसी युवक युवती का प्रेम हो जाता है तो हमने सुना उनको नींद नहीं आती है। पुरुष को नींद नहीं आती है स्त्री का चिंतन करने से, स्त्री को नींद नहीं आती पुरुष का चिंतन करने से। वो प्रेम है? प्रेम तो नहीं है, वो तो अपनी वासना की पूर्ति का एक व्यापार है। वहां प्रेम की गंध भी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रेम है ही नहीं, वहां धोखा है। जब विनाशी मलमूत्र के भांड से प्रेम होने पर नींद नहीं आती है तो सच्चिदानंद श्री कृष्ण से प्रेम होने पर नींद आएगी? और हम कहते हैं कि हमारा तो भगवान से प्रेम है, हम तो भगवान से ही प्रेम है, हमारा किसी खाक प्रेम है भगवान से, भोजन से प्रेम है और नींद से प्रेम है और रुपया कौड़ी से प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। हमारे जैसे कोई पंडित जी कथा कह रहे थे और श्रोता भावुक थे, रो रहे थे। एक बड़ी बूढ़ी मैया बैठी थी, उसने कहा कि पंडित जी आप नहीं रोते हैं? का मैया सांच बोलूं कि झूठ? का सच्ची बोलो। बोले हम आखिरी दिन हमारे प्रेम की जागृति होगी,
विदाई में कमी रह जाएगी तब हम रो सकते हैं, वैसे हमको रोना नहीं आता। तो हमारा प्रेम रुपए कौड़ी से, मान सम्मान से हमारा प्रेम है, भगवान से हमारा प्रेम नहीं। ओ ठाकुर जी की विचित्र लीला भैया जी, हमने यहां मलुक पीठ में तो स्पष्ट देखा है, मलुक पीठ में साक्षात गुरुजन भगवान और मलुकदास जी विराजमान हैं। जो व्यक्ति इतनी भी आशा लेके आता है कि हमारा सम्मान हो, उसको ऐसा कुछ भगवान लीला करते हैं कि उसको बिल्कुल प्रतिकूलता रहेगी, और जो बिल्कुल इस भाव से आएगा कि हमको तो यहाँ तो संतों की चरण रज लेना है, हमको अपने एक एक क्षण का उपयोग करना, वो निहाल हो जाता है। ऐसे कितनी घटनाएं हम सुना सकते हैं आपको। ठाकुर जी विलक्षण है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता।